नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज और ब्रैकेट में थिन शीट, मोटी शीट नहीं है, बहुत पतली शीट है, चार्ज शीट है, बहुत बड़ी शीट है, बड़ी शीट को क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट शीट है। इनफाइनाइट शीट के आर डिस्टेंस दूर आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, ई की। फॉर एग्जाम्पल एक शीट कंसिडर करते हैं, ठीक, मान लो एक इनफाइनाइट शीट है, एक इनफाइनाइट शीट है, तो ये आपकी इनफाइनाइट शीट है, ठीक है, बहुत बड़ी है, तो आपको इससे आर डिस्टेंस दूर परपेंडिकुलर किसकी वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है, चाहे राइट पे निकाल दो, चाहे लेफ्ट पे निकाल दो, कहीं भी निकाल दो, यहां निकाल दो, यहां निकाल दो, यहां लेफ्ट राइट, जहां भी निकाल दो। तो क्या ये पॉइंट क्लियर, हम क्या करने जा रहे हैं, अगर आप पुराने पेपर्स को उठाएं बोर्ड के, तो 10 साल में से कम 5 या 6 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। बाकी क्वेश्चन भी आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि शेल फेयर नहीं आए, ऐसा नहीं है, पर शीट और इनफाइनाइट शीट के ऊपर क्वेश्चन बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आएंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक को जरा ध्यान से देखेंगे, तो इसके अंदर ये हमने एक इनफाइनाइट शीट ली, आप सोचेंगे यार बड़ी कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम से बना दिया, डायग्राम तो बड़ा आसान था, एक शीट लो, इधर आर लो आंसर, नहीं ऐसा नहीं है, ये डायग्राम तो बाद की बात है, पहले मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो कि मान लो ये आपके पास एक इनफाइनाइट शीट है, ये थोड़ी मोटी है, पर मेरी शीट में ये थिकनेस नहीं है, दिस इज थिन शीट, बहुत पतली शीट है। तो अगर यहाँ पर एक बहुत पतली और थिन शीट है और ये चार्ज्ड है, तो मुझे आर डिस्टेंस दूर क्या निकालना है, ई निकालना है, चाहे यहां निकाल दूं, कहीं पर भी मुझे ई निकालना है, राइट, आर डिस्टेंस राइट या आर डिस्टेंस लेफ्ट। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो मुझे मेरा पहला आंसर दो कि जहां पर मुझे ई निकालना है वहां पर क्या कंसिडर करेंगे, एक गॉशियन सरफेस, तो ये लो, ये आर डिस्टेंस दूर एक गॉशियन सरफेस डीएस ले ली, इधर से ले ली डीएस, इधर से भी ले ली डीएस, क्योंकि आर डिस्टेंस दूर चाहे यहां से लूं, जहां से मर्जी लूं, तो ये डीएस ली, ये डीएस ली, और ऐसी यहां भी ले सकता हूं, डीएस ली, जब मैं सारे डीएस को कंबाइन करूंगा, तो आप क्या इमेजिन करते हो कि आपको क्या दिखेगा, काफी लोगों ने कहा सिलेंडर, कैसे दिखा आपको, क्या मैंने सर्कल लिया कहीं क्रॉस सेक्शन में तो सिलेंडर कैसे दिखा, इसको भूल जाओ, ये अभी मैंने तो क्वेश्चन चेंज कर लिया, तो मैंने तो ये क्वेश्चन कहा ही नहीं कि ये क्वेश्चन, मैंने कहा क्यूबॉइड, ओके, मुझे क्यूबॉइड भी नहीं दिख रहा, ओके, क्वेश्चन ध्यान से, मैंने कहा कि ये मैंने आर डिस्टेंस दूर ई निकालना है, तो गॉशियन सरफेस ली, ये रही गॉशियन, ठीक है, हवा में मार्क नहीं कर सकता, मैं स्केच पेन से बना देता, ये डीएस है, सिर्फ डीएस को मिलाना है, डीएस को मिलाना है, तो आपको क्या दिख रहा है, आपको इस कॉपी के सामने एक और कॉपी नजर आ रही है, यहां से एक डीएस, यहां से डीएस, तो डीएस को मिलाना है, मैंने तो कहा ही नहीं कि सबको मिला दो, मैंने कहा डीएस को मिलाओगे तो सामने इसके पैरेलल एक और शीट नजर आ रही है आपको, क्योंकि इसके सामने कॉरस्पॉन्डिंगली डीएस आएगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली डीएस आएगा, हर यहां पर जो पॉइंट है इस शीट के उसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहां पर डीएस आएगा, तो क्या बनेगा, यहां पर एक और शीट तैयार हो जाएगी, क्लियर है यहां तक, ऐसी यहां से आर डिस्टेंस दूर डीएस, यहां से आर डिस्टेंस दूर डीएस, यहां से आर डिस्टेंस दूर, तो हर पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंगली डीएस, तो जब मैं इन्हें कंबाइन करूंगा तो फिर से एक पैरेलल शीट नजर आएगी आपको, क्या पॉइंट क्लियर है, ऑनलाइन वालों को क्लियर है, यस सर, ठीक है। तो ये मेरा हाथ है, ये शीट है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली डीएस, तो बिल्कुल सेम पैरेलल हाथ का नजर आएगा जब डीएस को मिलाएंगे, तो इमेजिन कर रहे हो, और ऐसे ही इसके पैरेलल यहां पर भी नजर आएगा, क्योंकि आर डिस्टेंस दूर यहां जाओगे तो इधर या इधर, क्या ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अच्छा चलो क्वेश्चन चेंज करते हैं, क्वेश्चन है कि अब मैं एक लेके आता हूं सर्कुलर डिस्क, ये बीच में होल नहीं है, सर्कल पूरा, और ये थिन है और चार्ज्ड है, तो मेरा क्वेश्चन है कि इस डिस्क से आर डिस्टेंस दूर आपको ई निकालना है,
तो आप आर डिस्टेंस दूर यहाँ ई निकाल लें, यहाँ ई निकाल लें, यहाँ तो मैं डीएस 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 लेंगे, तो आपको इसके पैरल क्या नजर आएगी, एक और डिस्क, और ऐसी आर डिस्टेंस दूर इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, इधर आएंगे, तो डीएस 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 कंबाइन करेंगे फिर से एक पैरल डिस्क, इधर भी डिस्क, इधर भी डिस्क। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? और हवा में बातें हो रही हैं, है हु कोई नहीं डिस्क, है तो इमेजिनरी बस डिस्क बनी, हाँ आपको दिखी, यहाँ बनी, यहाँ भी दिखी, तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो डिस्क और डिस्क आपको इमेजिन हो रही है यहाँ पर आप क्या लगाना चाहते हो? गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम डिस्क पे तो लगती नहीं है, क्योंकि आपको क्या करनी पड़ेगी, एक क्लोज्ड बॉडी लेनी पड़ेगी। क्लोज बॉडी कैसे होगी? जो ये डिस्क है और जो हवा में बनी हुई इमेजिनरी ये डिस्क है, आप इनको जोड़ दें, हवा में इमेजिन जोड़ दें, है कुछ नहीं, बाती बातें हैं, करना क्या है, क्लोज बॉडी बनानी है कुछ भी नहीं करना। तो अगर आप इस और इस डिस्क को जोड़ दें तो फिगर क्या नजर आ रही है? सिलेंडर, 3D बन गई सिलेंडर, इधर डिस्क और इधर डिस्क, अगर हर सरफेस को डिस्क और डिस्क को जोड़ दें तो आपको एक सिलेंडर नजर आएगा। तो समझ में आया ये बीच में कैसे बना? ये है कुछ नहीं, एक्चुअल में तो शीट ही थी, पर आपने यहाँ पर जो इसके पैरेलल, क्योंकि क्योंकि आपको जो जो शीट गिवन है वो क्या गिवन है, वो इनफाइनाइट गिवन है, पर इनफाइनाइट के साथ तो क्वेश्चन हो नहीं सकता, तो मैंने इसके इस शीट का कुछ पोर्शन कंसिडर कर लिया, और ये वो पोर्शन है जिसका एरिया कितना है, ए, इसका एरिया कितना है, ए, ठीक है। तो जब मैंने इसके आर डिस्टेंस दूर यहाँ डीएस लिया, ये डीएस लिया, फिर मैंने यहाँ पर डीएस लिया, यहाँ डीएस 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 कंसिडर किया, तो सारे डीएस को मिलाया तो इसके पैरेलल फिर से क्या बन गई, एक डिस्क। फिर ऐसी आर डिस्टेंस दूर डीएस 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 को मिलाया तो डीएस वेक्टर इसमें बाहर की तरफ होगा, आउटवर्ड, इधर भी आउटवर्ड होगा। तो ये तीन डिस्क दिख रही हैं आपको, ये इमेजिनरी है, ये एक्चुअल है, और क्लोज बॉडी के लिए मैंने हर पार्ट को एक डिस्क और दूसरी डिस्क को जोड़ दिया, कुछ इस तरीके से क्या बना, एक क्लोज बॉडी विच इज अ सिलेंडर। क्यों किया? ताकि मैं गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकूं। हाँ ले सकते हैं, वो कह रहे हैं डिस्क क्यों लिया, स्क्वायर लो, ले लो, आप स्क्वायर लोगे तो यहाँ स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर स्क्वायर को जोड़ोगे तो एक क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है, ले सकते हो, कुछ भी ले लो, वैसे बना लो, एनसीईआरटी में डिस्क ली, मैंने भी डिस्क ले ली, ठीक, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जो मर्जी कर सकते हो, क्लियर है यहाँ तक? ठीक, अब आगे ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस, ठीक है। तो अब इसमें जो एरिया वेक्टर होता है ना, उसको काफ़ी ज़्यादा बुक्स एन कैप के साथ रिप्रेजेंट करती है, एन कैप, तो एन कैप का मतलब यहाँ पर डीएस वेक्टर ही है। तो आप प्लीज़ कभी क्वेश्चन में आ जाए एन कैप, आप पूछिए एन कैप क्या है, नहीं, एन कैप क्वेश्चन यूनिट वेक्टर जो एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस। तो एन कैप डीएस वेक्टर ही है इसमें। तो अब मेरे इस क्वेश्चन में कि अगर मान लो इनफाइनाइट शीट है, मैंने एक डिस्क ली या एक इसका पोर्शन सर्कल लिया, थिन शीट है, इसका एरिया ए, तो एक क्लोज बॉडी बना दी, तो अगर मैं कहूं कि मुझे तो इसका फ्लक्स निकालना है, तो मुझे पहले ये बताओ कि ये जो शीट है इस पे थिन शीट है, थिन शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, लेंथ वाइज होगा, एरिया वाइज होगा, या वॉल्यूम वाइज होगा? एरिया वाइज होगा, शीट के ऊपर चार्ज इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया, राइट? तो कौन सी डेंसिटी यूज करेंगे, लैम्डा सिग्मा की रो, सिग्मा, सिग्मा का मतलब चार्ज अपॉन एरिया। तो हम इसमें ऐसे बोल सकते हैं कि यहां पर इस ये जो डिस्क है सिग्मा, सिग्मा का चार्ज अपॉन एरिया। अच्छा, इसका एरिया कितना है, लेट अस सपोज ए, इसका जो एरिया है वो मान लो कितना है, ए। तो बोलो इस पोर्शन पे, शेडेड पोर्शन पे अगर मैं बोलूं कि चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो आंसर क्या होगा, सिग्मा इनटू ए, सिर्फ इस पोर्शन पे, वैसे तो बहुत सारा चार्ज होगा पर मेरे इस पोर्शन में चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इनटू ए। क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्योंकि सिग्मा का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया को किससे मल्टीप्लाई किया, एरिया, तो चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया इज चार्ज। क्लियर है यहां तक? ठीक। तो अब मेरा पहला क्वेश्चन कि क्या ये सिलेंडर इज अ क्लोज बॉडी, क्लोज बॉडी। तो अगर मैं कहूं कि इस पूरे सिलेंडर का टोटल फ्लक्स निकालो, तो टोटल फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड में, ये तो हवा की बातें हैं, यहां चार्ज थोड़ी ना है, यहां चार्ज थोड़ी ना है, चार्ज तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पर है। तो अगर मैं इस पूरी क्लोज बॉडी की बात करूं और बोलूं या पूछूं कि बोलो इसमें चार्ज कितना है, तो आप सिर्फ क्या बोलेंगे,
इतना चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है, तो ये चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इंटू एरिया, तो ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा पूरी क्लोज बॉडी का। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो एक मिनट में आ गया, क्योंकि गॉस थ्योरम किस पे लगनी थी, क्लोज बॉडी पे, और जो क्लोज बॉडी है उसका चार्ज कहाँ पर है, सिर्फ इतने पोर्शन पे है, इतने पोर्शन का चार्ज क्या है, सिग्मा इंटू एरिया, तो बाकी चार्ज है ही नहीं, तो क्या ये पॉइंट क्लियर है, टोटल फ्लक्स आ गया। टोटल फ्लक्स निकालने का एक और तरीका है, वो क्या, ई डॉट डी एस। हमने क्या यूज किया अभी, गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम से जल्दी आंसर आ गया। अब हम क्या करेंगे, ई डॉट डी एस। अब ई डॉट डी एस में एक प्रॉब्लम है, सिलेंडर में तीन सरफेस एरियाज हैं, डिस्क का और कर्व्ड सरफेस का, तो हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ई डॉट डी एस पूरे सिलेंडर का एक ही गो में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, आपको ई डॉट डी एस लगाना है किसी भी फिगर का, तो आपको ब्रेक करना पड़ेगा। तो पहले लेफ्ट साइड का ई डॉट डी एस अलग आएगा, इस यानी कि इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा, और कर्व्ड सरफेस एरिया का अलग आएगा। तो आप इसको तीन हिस्सों में बांट लें अगर आप टोटल फ्लक्स निकालना चाहते हैं बाय यूजिंग ई डॉट डी एस, तो आप तीन हिस्सों में बांट लें इसे, पहला हिस्सा रीजन नंबर वन, दूसरा हिस्सा टू जो कर्व सरफेस एरिया टू, और तीसरा कौन सा, थ्री, तीन हिस्से हो गए इसमें। तो अगर मैं बोलूं कि आप मुझे ये बताएं कि इसका ई डॉट डी एस क्या होगा, देखो ई वेक्टर राइट है, कैसे पता लगा, आप प्लस वन रख लें, ये प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, तो ई की डायरेक्शन कहां होगी, टूवर्ड्स राइट, और डी एस वेक्टर कहां पर है, टूवर्ड्स राइट। ई और डी एस में यहां पर एंगल क्या है, जीरो, ठीक है, ऐसे ही यहां पर देख लें, प्लस वन रखें, ये प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, एरिया वेक्टर कहां पर होगा, टूवर्ड्स लेफ्ट, परपेंडिकुलर, तो ई इधर डी एस इधर, तो एंगल ई और डी एस में क्या होगा, जीरो, ये भी स्टेप क्लियर है। अब इधर देख लें, अगर कोई भी कर्व्ड सरफेस एरिया कंसिडर करें, जैसे ये मैंने कर्व्ड सरफेस एरिया कंसिडर कर लिया, तो एरिया वेक्टर कहां पर है, परपेंडिकुलर, कितना, डी एस, तो प्लस वन रख लें यहां पे, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, तो ई वेक्टर कहां पर है, टूवर्ड्स राइट, एंगल इनके बीच में क्या बना, 90। ऐसी कर्व सरफेस एरिया यहां पे ले लें, तो एरिया वेक्टर कहां पर है, इसके परपेंडिकुलर, और प्लस वन रखेंगे तो प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, तो इस तरफ ई की वैल्यू कहां है, टूवर्ड्स लेफ्ट, तो यहां पर ई कहां पर है, टूवर्ड्स लेफ्ट, एरिया वेक्टर कहां पर है, नीचे, ऐसे, ये रहा, तो ई और डी एस में एंगल कितने है, 90। ऐसे यहां पर ले लें, एरिया वेक्टर कहां पर है, डी एस टूवर्ड्स अपवर्ड्स, प्लस वन रख लें, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो ई वेक्टर कहां है, लेफ्ट, ई और डी एस में एंगल कितने है, 90। तो आपको ये नहीं फील हो रहा कि कर्व्ड सरफेस एरिया में आपका ई डॉट डी एस आंसर क्या दे रहा है, जीरो, तो फ्लक्स की वैल्यू इस कर्व्ड सरफेस में, फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। कोई डाउट इसमें, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां था, तो कर्व्ड सरफेस में फ्लक्स जीरो, लेकिन क्रॉस सेक्शन सर्कल्स में या डिस्क जो है वहां पर फ्लक्स नॉन जीरो। तो एक काम करते हैं हम इसमें, ये फिगर ज्यादा बेटर फिगर दिखा रही है आपको कैसे इमेजिनरी सिलेंडर लिया हमने, तो अब हम क्या करते हैं, स्मॉल फ्लक्स निकालते हैं। हमारे पास तीन रीजन हैं, पहला रीजन लेफ्ट वाला रीजन था, ई और डी एस में एंगल क्या था, जीरो। राइट वाले रीजन में ई और डी एस में एंगल क्या है, जीरो जीरो जीरो, और बीच वाले रीजन में एंगल कर्व्ड सरफेस एरिया में एंगल क्या बनता है, 90। तो यहां पर फ्लक्स क्या आएगा, जीरो। क्लियर है यहां तक? तो ये स्मॉल फ्लक्स आ गया। टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, कॉस जीरो तो वन है, ये तो बिल्कुल जीरो हो गया, और यहां पर ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ये स्टेप भी क्लियर है, क्योंकि मैंने एरिया क्या लिया था फिगर में अपनी, ए, तो इसका एरिया भी कितना है, ए, इसका एरिया भी कितना है, ए, तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर है। ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की जगह एरिया ए, ई इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एस की जगह एरिया ए, बीच का तो वैसे ही जीरो है, तो ई ए, ई ए का सम क्या होगा, टू ई ए, तो टोटल फ्लक्स मेरे पास क्या आ गया, टू ई ए। क्या स्टेप क्लियर है? तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू टू इंटू ई इंटू ए, राइट, और फ्लक्स हमने गॉस थ्योरम से भी निकाला था, क्या निकाला था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और क्यू की जगह क्या वैल्यू पुट की थी, सिग्मा इनटू एरिया। तो अगर आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करें, एरिया से एरिया कैंसिल, क्योंकि कई लोग मन में सोच रहे होंगे कि हम ई की वैल्यू निकाल रहे थे ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, पर मैंने एरिया क्या कंसिडर कर लिया, ए, फिर ए कैसे कंसिडर किया, क्योंकि शीट इनफाइनाइट है, तो मैंने ये प्रूव कर दिया कि एरिया तो मैंने कट कर दिया। एरिया कट करने का मतलब चाहे शीट छोटी हो चाहे बड़ी हो,
थिन शीट है तो ई की वैल्यू विल रिमेन सेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, तो इसलिए एरिया कट गया, तो आपके पास ई की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू टू इनफाइनाइट थिन शीट की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है यहां तक? एक्चुअली आप पूछ तो सही रहे हो कि वो कह रही है कि शीट छोटी है बड़ी है कुछ तो फर्क होगा, भी बड़ी शीट लेके आऊंगा तो बड़ा ही आएगा, छोटी है तो छोटा ही आएगा। प्रॉब्लम पता है क्या है, जब आप एलिमेंट ले लेके सॉल्व करोगे तो कॉम्पोनेंट्स कैंसिल होते जाते हैं, ई फिर कांस्टेंट आ जाएगा, तो वो हम कर नहीं रहे ना, इंटीग्रेशन कैंसिलेशन दिख रही थी आपको ई की, तो नेट रिजल्ट यही आएगा। हाँ अजीब लगता है, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, तो लेकिन ऐसा है तो कॉन्स्टेंट ही आता है। इनफाइनाइट शीट देखो, इन पहली बात तो इनफाइनाइट शीट का मतलब है एक बड़ी शीट है, तो मैंने ये नहीं कहा कि इतनी शीट ले आओगे तो आंसर सेम रहेगा और इतनी बड़ी ले आओगे तो भी सेम, नहीं ऐसा नहीं समझना। बड़ी शीट है, अब बड़ी शीट कितनी बड़ी शीट है मुझे पता नहीं कितनी बड़ी शीट है, तो आंसर विल रिमेन सेम। अब तो ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट शीट का रिजल्ट है, ये फाइनाइट छोटी सी शीट का रिजल्ट नहीं है, तो इसलिए आंसर विल रिमेन सेम। तो बड़ी बड़ी शीट्स में आंसर सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट ही रहेगा इसमें, तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे आगे स्पेशल केस है, आपको मैंने जो एक्सप्रेशन करवाया वो किसका करवाया, वो थिन शीट्स का करवाया। अगर शीट थिक हो तो, मोटी शीट हो तो, और मोटी शीट है और कंडक्टिंग है ऊपर से, तो मोटी शीट में चार्ज भर दो, चार्ज ही चार्ज भर दिया, तो चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा मोटी शीट में थिक शीट में, लैम्डा सिग्मा की रो, रो रो का मतलब वॉल्यूम वाइज, बिल्कुल गलत, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग शीट के अंदर तो चार्ज होता ही नहीं, सारा चार्ज कहाँ जाता है, सरफेस के ऊपर, तो क्या यूज होगा, सिग्मा। कंडक्टर के लिए रो यूज ही नहीं होगा कभी भी, कंडक्टर के लिए तो सिग्मा, चार्ज तो बाहर आ जाएगा। तो अब ये मोटी शीट है तो अंदर चार्ज होगा नहीं, तो या तो इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा, तो अब ये ऐसे कंसिडर होगा जैसे दो थिन शीट्स हैं, एक पतली शीट और एक पतली पैरल शीट्स का कॉम्बिनेशन, राइट। तो अगर दो पतली पतली शीट्स हैं, ये देखो, जिसको कॉम्बिनेशन को थिक शीट बोलते हैं, और आप यहाँ पर प्लस वन रखें और निकालें ई की वैल्यू क्या होगी, तो जहाँ आपको ई निकालना है वहाँ चार्ज क्या रखना है, प्लस वन, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, कितनी वैल्यू के साथ, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि थिन शीट का रिजल्ट क्या होता है, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। और पिछली शीट भी इस प्लस वन को क्या करेगी, रिपेल, कितनी वैल्यू के साथ, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ एक शीट नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ दो पैरल शीट्स हैं, थिन शीट्स हैं, दोनों ने ई लगाया, दोनों वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, तो इन्हें ऐड करेंगे सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, तो आंसर क्या आएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। हालांकि थिक शीट पे क्वेश्चन आते नहीं है बाय डिफॉल्ट, अगर कुछ गिवन नहीं है पेपर में, बस वो बोलता है एक शीट है, शीट की वजह से ई की वैल्यू सॉल्व करो, तो प्लीज थिक नहीं लेना, आपने उसे थिन ही लेना है, तो बाय डिफॉल्ट थिन आएगा, सारे क्वेश्चन ज्यादातर थिन पे ही चलते हैं, थिक पे तो अगर वो बोल ही दे मैं तो थिक ले रहा हूं, आप फिर ये लगा लेना, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है यहां तक। तो ये एक्सप्रेशन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट है स्पेशल केस, अगर आपके सीबीएसई के बोर्ड के पेपर में वो एक्सप्रेशन नहीं आएगा शीट का, तो फिर जो अगले दो एक्सप्रेशन करवा रहा हूं मैं, दो पैरल शीट्स के, ये आ जाएगा, तीन तीन नंबर में कुछ ना कुछ आएगा इसमें से, तो क्या आएगा, जैसे वो केस बना के देगा, इसमें ये तो रिजल्ट यूज कर रहा हूं ना, थिन शीट का तो रिजल्ट आ गया ना, तो थिन शीट के रिजल्ट को यूज किया मैंने इसमें,
अब स्पेशल केस है, आपके पास अब दो थिन शीट्स हैं, आपके पास दो थिन शीट्स हैं, ठीक। तो ये दो थिन शीट्स हैं प्लस एंड प्लस, तो वैल्यू सिग्मा एंड सिग्मा, सिग्मा सिग्मा, सिग्मा सिग्मा का मतलब क्या है? सिग्मा का मतलब है कि सिग्मा होता क्या है, चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर सिग्मा दोनों में सेम है तो चार्ज दोनों में सेम है और एरिया भी दोनों का सेम है, तो चार्ज बाय एरिया सिग्मा, चार्ज बाय एरिया सिग्मा, तो सिग्मा दोनों का सेम है, तो चार्ज अपॉन एरिया की रेशियो दोनों के लिए सेम है, तो आइडेंटिकल शीट्स हैं। तो आपको तीन रीजन देगा, रीजन नंबर वन, रीजन नंबर टू, रीजन नंबर थ्री। कहेगा रीजन नंबर वन में ई निकालो, टू में ई निकालो और थ्री में ई निकालो। तो रूल नंबर वन, आपको अगर रीजन नंबर वन में ई निकालना है तो यहां इमेजिन करो चार्ज प्लस वन, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, और ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। तो इसकी ई की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी ई की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट आंसर आएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, एक आंसर आ गया। उसी तरीके से अगर आपको यहां ई निकालना है रीजन नंबर टू में तो प्लस वन रखें, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। तो वैल्यू सेम रहेगी, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों आप इसमें एक दूसरे को क्या कर जाएंगे, कैंसिल, तो नेट आंसर क्या आएगा, जीरो। तो दोनों शीट्स के बीच के रीजन में आंसर क्या आएगा, जीरो। और उसी तरीके से अगर मान लो यहां निकालना है तो प्लस वन, तो ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और ये प्लस भी प्लस को रिपेल करेगा, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर फिर से सेम ही आएगा। तो ये एक स्पेशल केस है, कई बार वो स्पेशल केस पूछ सकता है, दो शीट दे देगा सिग्मा, कभी कभी ऐसा भी कर सकता है सिग्मा बराबर ना दे तो वो कहेगा कि ठीक है एक में सिग्मा सिग्मा वन है, एक में सिग्मा सिग्मा टू है, इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, अब आंसर दो। तो क्या करेंगे, सिग्मा वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह सिग्मा टू बाई टू एप्सिलॉन, तो नेट आंसर इन दोनों का सम करके दिखा देना, ऐसे छोड़ देना। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, कोई भी स्पेशल केस देगा तो आप प्लस वन रख के वेक्टर से अपने रिजल्ट को यूज करके इसे नेट रिजल्टेंट की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट है, ये भी बहुत आता है, ये भी बहुत आता है। अब वो तीसरा केस क्या देता है, कहते दो शीट्स ले लो, एक शीट पॉजिटिव एक शीट नेगेटिव, एक का सिग्मा सिग्मा एक का माइनस सिग्मा। अब ये सिग्मा माइनस सिग्मा क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड सिग्मा का बराबर है, इसका मतलब चार्ज दोनों पे बराबर है, एरिया भी दोनों शीट्स का बराबर है, तो चार्ज बाय एरिया की रेशियो दोनों की सेम है, तो सिग्मा दोनों का सेम है, पर एक चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, तो इसलिए एक का सिग्मा पॉजिटिव एक का सिग्मा नेगेटिव। क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो सिग्मा पॉजिटिव सिग्मा नेगेटिव क्लियर है। अब आपको फिर से तीन रीजन देगा और वो क्या, तीन रीजन में ई निकालो, ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा देता है प्लस और माइनस वाले। तो अगर आपको यहां ई निकालना है तो प्लस वन, ये प्लस इस प्लस वन को रिपेल करेगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, लेकिन वो नेगेटिव इस प्लस वन को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मैग्नीट्यूड लेना है माइनस नहीं लेना, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो वेक्टर में एडजस्टमेंट होगी नेगेटिव की, अट्रैक्टिव फोर्स शो करनी है, तो आपने मैग्नीट्यूड लेना है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, माइनस नहीं लेना, तो मैग्नीट्यूड इसका और इसका बराबर, तो नेट आंसर क्या आएगा, जीरो। तो नेट आंसर की वैल्यू यहां पर जीरो आएगी इस रीजन में। सिमिलरली अगर यहां पर आपको ई निकालना है, चार्ज प्लस वन रखने, प्लस प्लस को क्या करेगा, रिपेल, तो ये वैल्यू, माइनस प्लस वन को क्या करेगा, अट्रैक्ट, मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, चाहे नेगेटिव है कोई बात नहीं तो भी मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। यहां लोग गलती कर देते हैं, ई के न्यूमेरिकल में मैंने आज तक नेगेटिव साइन लिया नहीं कभी भी, वेक्टर ड्रॉ करने के काम आया, पर अगर आपने गलती से माइनस ले लिया तो आप बीच के रीजन में आंसर क्या बोल देंगे, जीरो, आपका आंसर गलत हो जाएगा। और ऐसी लास्ट में अगर प्लस वन रखा इस रीजन में तो माइनस प्लस वन को अट्रैक्ट करेगा, आपने मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ, और प्लस जो है प्लस वन को रिपेल करेगा, तो ये दो वेक्टर आपस में कैंसिल, तो नेट आंसर जीरो। तो एक शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट है कि आज के बाद अगर दो पैरेलल शीट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और सिग्मा दोनों का बराबर है, एक प्लस सिग्मा एक माइनस सिग्मा, तो उसके इस रीजन में और इस रीजन में ई एग्जिस्ट नहीं करता, ई एग्जिस्ट नहीं करेगा,
ई सिर्फ बीच के रीजन में एग्जिस्ट करेगा, तो आप इसको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, ये शो करने के लिए कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है नेट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इन दो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा जो कि कॉन्स्टेंट वैल्यू रखेगा, क्योंकि सिग्मा कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी कॉन्स्टेंट है, तो सिग्मा एंड एप्सिलॉन नॉट बोथ आर कॉन्स्टेंट, तो ई की वैल्यू विल रिमेन कॉन्स्टेंट। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं इसे छोड़ रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ एक पॉइंटर लगा के। हम एक चैप्टर करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर के बाद एक और चैप्टर आएगा जिसका नाम है कैपेसिटर्स। कैपेसिटर की स्टार्टिंग इस रिजल्ट से है, कैपेसिटर यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं कहूँगा जब कैपेसिटर स्टार्ट हुआ था, देखा हमने फ्लक्स में किया था कि अगर दो पैरेलल शीट्स हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, सिग्मा की वैल्यू दोनों में बराबर, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, तो उनके बीच में ई की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड इन चैप्टर कैपेसिटर एंड यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर है? पर मैं आप कहोगे फिर सीधा कैपेसिटर करवा दो, उसके बाद तो सीधा लिंक बन जाएगा पॉइंटर के, छोड़ा क्योंकि कैपेसिटर को स्टडी करने के लिए आपको पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए। तो जब तक वो पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, तब तक कैपेसिटर स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब एक पॉजिटिव पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल एंड दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो वो वहां से शुरू होता है। तो यानी कि ये रिजल्ट भी यूज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूज करेगा, पोटेंशियल भी यूज करेगा और एनर्जी भी यूज करेगा, तब वो कैपेसिटर स्टार्ट होगा। तो इसको यहीं छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ के फ्लक्स की प्रैक्टिस करके हम अगला जो चैप्टर करेंगे वो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस का काम करेंगे, फिर उसके बाद फिर कैपेसिटर के ऊपर पहुंचेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक, ऑनलाइन वालों को क्लियर है? यस सर, यस सर।